तगड़ा ड्रिफ्ट मारती है भाई ये ऐसे कर तब थोड़ी कर पाएगी जैसे ये डिवाइडर पे खड़ी कर गया इसको। हाँ वो पुलिस तक को बुला देती है गाड़ी अपनी चढ़ चढ़ से। अब आप समझ रहे हो भारी पड़ गई आज ये ड्राइव रिव्यू हमको बनाना घना ही। अब आपको क्या ही बताएं। हेलो भाई मैं पवार देख रहे हो इलेक्ट्रिक गाड़ी की जान देख रहे हो आप। अभी जितनी जान की हमने बात करी है भाई इस गाड़ी के बारे में MG ZS EV है 27 लाख रुपए की भाई 27,20,000 की। भाई अभी कितने की हो रही है ये? अभी भाई इसके रेट बढ़ गए थे 30 लाख की आ रही थी बट MG वाले अब इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले मिलती नहीं थी और इसमें डिस्काउंट आ रहा है 2-2.5 लाख का तो उतने की 27 की बढ़ी है 26.5। और फीचर भी बढ़ा दिए मेरे ख्याल से और इंटीरियर अगर चेंज चाहिए तो इंटीरियर भी बेज कलर में मिल जाता है। अच्छा ठीक है तो चला के देख लेते हैं भाई 27 लाख रुपए की गाड़ी को जरा कितनी। अभी इस गाड़ी की थोड़ी स्पेक्स की बात करें ना तो 50 किलोवाट पर आवर की बैटरी इसके अंदर लगी हुई है 175 BHP के लगभग निकालता है। इसका तो उल्टा सिस्टम है इंडिकेटर का ये वो है ना मेड इन जर्मनी नॉर्मल वाली MG में तो वैसे ही है। ये CBU यूनिट है बाहर से मतलब आती है ऐसे बाहर से आ रही है पूरी जो एस्टर बन रही है एस्टर इंडिया में बन रही है अब ये भी इंडिया में ही बननी शुरू हो गई है। तो ये सस्ती करेंगे कुछ लगता है? सस्ती नहीं होगी जो ये कहते थे ना कि डीजल और पेट्रोल गाड़ी बराबर रेट पे आ जाएंगी तो वो इलेक्ट्रिक सस्ती नहीं होगी वो डीजल पेट्रोल बढ़ जाएंगी। आपने देखा डीजल पेट्रोल महिंद्रा तो क्या ऐसा लग रहा है कि हर महीने में 50,000 बढ़ा देता है अपनी गाड़ियों में। ये गाड़ी 90,000 किलोमीटर चल रखी है 90,000 मतलब इतनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चली और मैं पहली बार चला रहा हूँ भाई। नेक्सॉन ईवी पे कैपिंग लगी हुई है 120 तक वो टॉप स्पीड जाती है। नेक्सॉन ईवी पुरानी वाली 120 अब 140 तक करती है 140 मैक्स वाली मैक्स वाली। और ये कितनी भाग लेती है? ये 195 मैंने भगा रखी है मतलब इसकी 195 से ऊपर नहीं जाती है KGP पे मैंने भगाई थी 195 से ऊपर नहीं जाती है। ये कितना तगड़ा ड्रिफ्ट मारती है भाई ये मतलब पावर तो है ही। और आप शायद इको में करी है अभी तो आपने ये आवाज देखी आपने इको में करी है अभी तो आपने भाई साहब पिल्ल पिल्ल जैसे करती है ये इलेक्ट्रिक है भाई ध्यान रखना है गाड़ी कितना फील लेते हमने करी है ऐसे। अरुण भाई ने कहा था कि भाई डीजल गाड़ी बंद हो रही है इलेक्ट्रिक और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई इलेक्ट्रिक पे आ जाओ आप अब भी वक्त है अभी तो सस्ती मिल रही है आपको मिलेंगी नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं तो आने वाले टाइम में ना। ये पावर देखो यार इको में पावर देख लो आप मैंने इससे XUV 700 पेट्रोल वाली से इको में हरा रखी है। स्पोर्ट्स में तो शीशा ही फोड़ दिया था उसका पत्थर फेंके उठा के पीछे वाली का शीशा ही फूट गया भाई मतलब भागने में इसकी होड़ नहीं है भाई। अब क्या भागती है भाई ये गाड़ी तो ऐसे यहाँ पे किसी को ड्रिफ्ट मारनी हो यहाँ पे मारनी हो आपको NCR में कहीं भी चलानी हो आपको ट्रिप पे जाना हो आप ट्रिप पे जाते हो सपोज आप ऋषिकेश जा रहे हो सीधे ऋषिकेश पहुंचोगे बीच में रुकोगे नहीं कहीं खाने के लिए बिल्कुल रुकेंगे जहाँ रुकोगे वहीं चार्ज हो जाएगी। रात को ऋषिकेश में होटल में लगाओगे होटल में चार्ज हो जाएगी हर जगह लग रहे हैं तो चार्जर अब बताओ ये तो सही। और आप ऋषिकेश से मात्र 1500 रुपए में घुमाओगे और अपनी एंडेवर से कितने में घूम के आओगे? अरे बस पूछो मत ना भैया भट्टा बैठ जाएगा 10,000 रुपए तेल खाई जाएगी इतनी चोर हुआ बहुत भाई बहुत। मैं चलो आप अभी लद्दाख हो के आयो कितने का डीजल फूका आपने? हमने फूका 35,000 रुपए का मैंने इसमें 3800 की बिजली फूकी बस 3800 में घूम के आया था मैं ले। और आपको एक चीज और बता दूं जो छोटा वाला इसका चार्जर है ना आप कभी होटल वाले से अगर कहोगे कि ये लगाने दो वो उसके पैसे भी नहीं लेगा वो फ्री में भी हो जाएगी आपकी चार्ज तो उनको इतनी समझ नहीं है कि मेरा बिजली का मीटर तो बहुत बन जाएगा। जब आप होटल में रुक रहे हो तो वो 100-200 की बिजली के लिए नहीं कहते इतना। हाँ एक घंटे में छोटे चार्जर से 3% होती है सर एक घंटे में इसलिए 26-27 घंटे लग जाते हैं। भाई देखो ये तो मैं ईगो पे चला रहा हूँ बिलीव मी ये कुछ और ही सौदा भागने में तो लोग डर जाते हैं पीछे वाले मुझे तो फील ही नहीं आ रही कि मैं भाई कोई वो चला रहा हूँ। रेस लगाने में बड़ा मजा आता है कभी आप अकेले हो हाईवे पे ना थोड़ा और अगर कोई साइड में BMW वाले या वो होते हैं ना एम स्पोर्ट्स वाले बड़े तेजी से लेके जाते हैं पकड़ नहीं पाएंगे वैसे रेस लगा रखी है। फॉर्चुनर तो ये समझ लो कि अगर आप 100 किलोमीटर के पैच में जा रहे हो ना तो 10-12 किलोमीटर पीछे छोड़ दो फॉर्चुनर को तो फॉर्चुनर तो इसके सामने पानी भी नहीं भरती क्या भागती मतलब ये जब आप बैठोगे ना इसमें तभी वो चीज फील कर सकते हो ना कोई ये भाई आवाज करती हूँ। हाँ ट्रैफिक में ये माइलेज ज्यादा देती है गाड़ी ये वाली ट्रैफिक में ज्यादा माइलेज देती है और ट्रैफिक में चलते हैं तो ब्रेक पैड भी कम घिसते हैं इसके अपने आप ब्रेक लेती है क्योंकि और माइलेज ज्यादा देती है। ट्रैफिक अगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है यहाँ से करोल बाग और मतलब दिल्ली में घूमना है ना 400 किलोमीटर चल जाती है एसी में तो ये उल्टा जैसे हम दूसरी गाड़ियों में डरते हैं कि पेट्रोल डीजल ज्यादा फूकेगा ट्रैफिक में। हाईवे पे चलाओगे
तो ये हाईवे पे कम चलती है। हाईवे पे ये मैंने अगर खींच के चलाई थी 140 150 के आसपास तो 220 किलोमीटर चली थी। पर ये ऐसे कर तब थोड़ी कर पाएगी जैसे ये डिवाइडर पे खड़ी कर गया इसको। अब आप इसे ले लो 27 लाख में, बॉम्ब में लेके जाओगे अपने, वहाँ लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे कि ये कोई 4-5 लाख की गाड़ी ले आया, पागल है कोई, हमें पागल बना रहा हो कि 27 लाख रुपए की गाड़ी कहाँ आती है। इतने में तो वो आ जाती है, स्कॉर्पियो आ जाती है, इतने में तो दो बेबी होना चाहिए बड़ी, बस भले ही को बस ये जने कितने आ जाएंगे ऐसे बैठने में। इसकी हैंडलिंग देखो, जैसा हम इसको घुमा रहे हैं ये देख रहे हो आप, ओ भाई, मतलब रफ यूज के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। बढ़िया। धूल ही धूल उड़ा दी हमने। ओ लो आ गए, हम मर गए है ना, क्या पकड़ेंगे विनोद भाई, ड्रिफ्ट मार के देखी एक नंबर है। वहाँ थोड़ी पुलिस आ गई थी तो फिर हमको वहाँ से आना पड़ा, थोड़ा लिटिल समझ के आते, इसलिए हम इसको हमने यहाँ खड़ा कर दिए। ऐसे सही नहीं है, वैसे खाली रोड था वैसे एम्प्टी, बट कोई बात नहीं भाई, चलता रहता है। मतलब पुलिस तक को बुला देती है गाड़ी अपनी चढ़ से। अब आप समझ रहे हो मिसलिन के इसके अंदर टैल लग रखे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी है और एकदम ऐसे खाली रोड है, पब्लिक थोड़ी आ रही है, हम कर रहे थे अपनी सेफ्टी को नज़र में रखते हुए। खैर तो क्या कर सकते हैं भाई, तो ध्रुव भाई मतलब पास है एकदम, है ना इलेक्ट्रिक गाड़ी। आप ही बताओगे, आप ही कहते रहते हो डीजल बंद हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रिक खड़ी है तो यार ले जाओ बेशक। अभी वो ये हमें भी अभी थोड़ा उभरना पड़ेगा, चलाएंगे ना तब रेंज एंजाइटी वाली चीज है बस। एक भाई को इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका, बहुत बहुत गारंटी है, जिस दिन हार जाओ मेरे से ले जाना उस ड्रैग रेस के पैसे। अच्छा ड्रैग रेस नहीं हारोगे, इतना भारी चैलेंज पुलिस वाले उसे कैसे जीतेंगे। वो यही बात कह रहा था पुलिस वाला भी कि इंडिया में कहाँ पे हैं ऐसे रोड और जहाँ पे तुम ये टेस्ट कर रहे हो, तो चलाओगे भी तो कहीं इतनी हैवी गाड़ी को, इतनी पावरफुल गाड़ी को, इतनी हाई स्पीड पे कम मारोगे आवाज करेगी वो आ जाएंगे चढ़ चढ़ सुन के। वही है भाई, थोड़ी दिक्कतें होती रहती हैं, पर कभी भी पब्लिक प्लेस में ऐसी कोई चीज नहीं करनी है, अपना आराम से चलाओ, तसल्ली से चलाओ, हाँ बढ़िया देगी। हाँ यही भाई। ठीक है भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबके मुंह लटक गए भाई, देख लो होता रहता है भाई, कोई नहीं, वो थोड़ा सा बिगाड़ से लेसन मिलता है। हाँ वही है, आगे से ये गलत काम नहीं करेंगे और तो क्या ही है। बाकी हो गया भाई, मैटर सोल्व कर लिया हमने, मत करना आप भी ये सब जो ड्रिफ्ट आप रील फील पे देखते हो ना, हरी पड़ गई आज ये ड्राइव रिव्यू हमको बनाना, क्या ही बनाना ही है। ठीक है जी, बाय।